हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम इलेवन में नया अपडेट आ चुका है बैकअप प्लेयर रूल। तो ये कैसे यूज करें आज मैं आपको प्रो टिप्स के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये बैकअप प्लेयर रूल क्या है। तो देखिए, आपने 11 प्लेयर की टीम सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि आपने 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए मैच स्टार्ट होने से पहले, टॉस होने से पहले, तो आपने ले लिए, बट उसमें से 10 ही प्लेयर खेल रहे, एक प्लेयर नहीं खेल रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी आप जब टीम लगाओगे आपको बैकअप 1 2 3 4 आपको ये ले लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये ले लेना होगा। उसमें से आपका एक प्लेयर नहीं खेलता है, वो मैच ही नहीं खेल रहा है, तो आपका बैकअप 1 2 3 4 में से बैकअप 1 वाला प्लेयर जो है, B1 वाला, वो उसको चेंज कर देगा, मतलब कि वो हट जाएगा और आपका बैकअप 1 वाला प्लेयर वहाँ पे चला जाएगा। अगर आपने दो प्लेयर लिए, मतलब कि 11 लिए बट 2 नहीं खेल रहे, और आपने अगर 11 में से 2 प्लेयर नहीं चले, तो आपका बैकअप 1 बैकअप 2 वहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो 2 प्लेयर नहीं खेल रहे उसके जगह B1 B2 चला जाएगा। तो ये ऐसे यूज होगा बैकअप प्लेयर रूल। और इससे भी ज़्यादा मैं आपको प्रो टिप्स बताने वाला हूँ। आपको ये अनअनाउंस के पीछे नहीं जाना है, आपको जाना है सब्स्टिट्यूट के पीछे। तो ये कैसे, आपने देखिए, आपको ऑलवेज टॉस के बाद ही मैच लगाना है, बट आपको पता है आपको 11 ही प्लेयर सिलेक्ट करना होगा, बट आप उसमें से आपको डाउट है कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी वो खेलने वाला है, मतलब कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल IPL में लागू हो गया। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर चेंज होता है, इसको निकाल देते हैं बाहर और इसको डाल देते हैं अंदर। तो आपको ऑलवेज सब्स्टिट्यूट प्लेयर लेके ही जाना है, एक या दो। जैसे कि वेंकटेश अय्यर की बाद में बॉलिंग है, मतलब कि बाद में बैटिंग है, तो पहले वो क्या करेगा फ्रेंड्स, वो नहीं खेलेगा, बट बैटिंग के टाइम में उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर में, इम्पैक्ट प्लेयर के रूल में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको सब्स्टिट्यूट में लेके जाना है वेंकटेश अय्यर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। सो आपको बैकअप 1 2 3 4 में से आपको लेके जाना है, और जो आपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर सिलेक्ट किया अगर वो नहीं खेलता है, तो जो आपने बैकअप 1 2 3 4 में जो सिलेक्ट किए वो उसकी जगह ले लेंगे, और जो नहीं खेल रहा है सब्स्टिट्यूट में वो उसको निकाल देंगे। सो ये ऐसे यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसे बैकअप प्लेयर रूल यूज़ करना है। सो वीडियो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।